तो फाइनली मैंने इतनी राई निकाल दी है। अभी तो गाड़ी में सामान रख रहे हैं। तो हम लोगों का सफर हो चुका है कोटमा से शुरू और आज तो मैं देहरादून तक में आगे बढ़ते हुए हम लोग भैंसारी बैंड पे पहुंच सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगस्तमुनि में पहुंच चुके हैं और अगस्तमुनि में थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सामान देना है। मैं आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सिरकोट में और सिरकोट में बेस हॉस्पिटल है तो सुभाष और ससुर जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कोटमा से। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ हो गई है खूबसूरत नए दिन की शुरुआत। और अभी मैं रेडी भी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं आज से मेरा सफ़र शुरू हो गया है क्योंकि मैं यहाँ से कहीं दूर जा रही हूँ, यानी उत्तराखंड से कहीं बाहर जा रही हूँ। तो चलिए आज से सफ़र शुरू करते हैं। और मेरी पैकिंग वगैरह, ये देखो बैग भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये बैग और एक बैग ये है तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और चाय भी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद कम से कम लगभग हम यहाँ से 7:30 या 7:45 के आसपास यहाँ से निकलेंगे। और अभी बाहर का मौसम ऐसा हो रखा है, आज भी बादल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल क्लीन है। और आजकल दिन में ना धूप लग रही तो बहुत गर्म हो रहा है और ऊपर पहाड़ों पे तो आप देख सकते हैं कि बर्फ़ गिरी हुई है। और अभी धूप नहीं आई क्योंकि अभी अभी उजाला हो रहा है। और हमारे आसपास की दुकानें भी देख सकते हैं, सारी दुकानें अभी बंद हैं। तो पहले मैं बगल वालों की लाइट बंद कर लेती हूँ क्योंकि वो रात को यहाँ नहीं रहते हैं ना, वो घर रहते हैं, यहाँ पर लाइट जला के रख देते हैं वो। और मेरे सगड़े में तो बहुत सारी बड़ी बड़ी राई हो रखी है, ये देख सकते हैं। तो थोड़ा राई भी तोड़ लेती हूँ मैं। तो फाइनली मैंने इतनी राई निकाल दी है घर की, तो इसको पैक कर लेती हूँ। और ये राई आप सोच रहे होंगे कि मैं दूर जा रही हूँ तो राई ले जा रही हूँ, तो आज मैंने जाना है देहरादून, तो देहरादून दीदी के पास जाना है तो आज वहीं के लिए ये राई रख रही हूँ। तो कल जाना है हमने देहरादून से, तो इसको पैक कर लेते हैं। घर की राई में स्वाद अलग रहता है और बाजार की राई में स्वाद अलग रहता है, इसलिए ले जा रही हूँ। डीबी है वहाँ दुनिया भर की राई मिलती है पर इसका जैसा टेस्ट नहीं। हेलो कर। तो दोस्तों अभी 8 बज गए हैं और मेरी जाने की तैयारी हो गई है घर से। तो यहाँ नीचे पे देवर जी आ गए हैं तो उनके साथ जाना है मैंने। तो चलिए एक बार लाइट भी बंद कर लेते हैं। तो ये आ चुके हैं देवर जी और आज तो देवर जी के साथ जाने वाली हूँ मैं। और अभी तो गाड़ी में सामान रख रहे हैं और इतना सामान आना है उसमें, इतने सारे बैग हैं। तो हम लोगों का सफ़र हो चुका है कोटमा से शुरू और आज तो मैं देहरादून तक ही देवर जी के साथ हूँ। और पीछे ससुर जी हैं, ससुर जी की तो तबीयत ख़राब है और वो लोग जा रहे हैं श्रीनगर। ठीक मन सब बैठना कोई सोच नहीं है कौन वो ना 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 नहीं वो गस्सी से बंद नहीं वो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं काली मठ में। और काली मठ में तो प्राचीन सिद्ध पीठ काली माता का मंदिर है। सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग भैंसारी बैंड पे पहुंच चुके हैं और ये नीचे वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग के लिए और ये साइड ऊपर के लिए जाती है, ये ऊपर जाती है केदार घाटी के लिए, काशी के लिए। सफर में आगे बढ़ते हुए हम लोग अगस्तमुनि में पहुंच चुके हैं और अगस्तमुनि में थोड़ा रुके हुए हैं क्योंकि हमने यहाँ पे सामान देना है। और यहाँ आ चुके हैं, बस बढ़िया। अरे बस बुढ़िया
ये वाला भी है। ये पके चौ ये नहीं। तो यहाँ से ननद जी का सामान भी दे दिया है देवर जी ने। ठीक तो है। यहाँ पे ननद जी को सामान देने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पे काम है तो यहाँ पे रुके हुए हैं थोड़ा सी, तो वो लोग तो काम से जा रखे हैं, तो उसके बाद देखते हैं। और ना मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है उल्टी आने के लिए, तो उस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कैप्चर कर पाती हूँ मैं, तो वो आप लोगों के बीच शेयर करूँगी। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं सिरकोट में, और सिरकोट में बेस हॉस्पिटल है। तो सुभाष और ससुर जी ने सिरकोट हॉस्पिटल में जाना है, बेस हॉस्पिटल में जाना है, तो ये उतर चुके हैं। बहुत मैं पहुंच गई हूँ देहरादून में, यानी खानियावाला में। बहुत ही जाम लगा हुआ है, तो हम लोगों को कम से कम 20 मिनट से 25 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों मैं अपनी दीदी के घर पहुंच गई हूं, यानी देहरादून पहुंच गई हूं, और मैंने यहां पे खाना वाना खा लिया है। और आज रास्ते में ना वीडियो तो बनाई मैंने, और मतलब कम ही बनाई, लेकिन क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, और दीदी भी लगी हुई है काम पर। और दीदी ने ना सबसे पहले मुझे खाना खिला दिया है। मेरी दीदी मेरे को ना चाय पिलाएगी। ये है मेरी दीदी। अभी मोहिनी भी आने वाली है। हेलो, हेलो, हाय। बिंदी ला दे दो यो दो। यहाँ दूर का सफर तय करके ये भी आ चुकी है। कैसे हो? ठीक है। तो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माँ बेटी का प्यार ए लाड दुलार हो रहा है। तूने बोला ना कि हम बोल रहे हैं मगर, हाँ?